रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने घर में अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में करारी शिकस्त दी है। भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। अब भारतीय टीम के पास सीरीज में क्लीन स्वीप का मौका है। बता दें कि भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। यदि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो वो अफगानिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप से हराएगी। यदि ऐसा होता है तो भारतीय टीम क्लीन स्वीप की एक अनोखी हैट्रिक पूरी कर लेगी। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच ये पहली द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की ये क्लीन स्वीप से जीत बेहद खास होने वाली है। भारतीय टीम ने इससे पहले किसी टीम के खिलाफ 3 या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय टी20 सीरीज का आगाज करते हुए सिर्फ 2 बार ही क्लीन स्वीप से जीत दर्ज की है। सबसे पहले भारतीय टीम ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 और 2 मैचों की 3 सीरीज खेली थी।